7 मई 2020 विशाखापट्टनम में हुई एलजी पॉलीमर साउथ कोरिया की कंपनी में गैस लीकेज और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी हुई पेपर मिल में गैस लीकेज और तमिलनाडु में हुआ बॉयलर ब्लास्ट और उसमें 7 जन घायल। लेकिन सबसे बड़ा हादसा विशाखापट्टनम में हुआ, अभी तक 11 जन की मृत्यु हो चुकी है और ये आंकड़े अभी बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। भोपाल गैस लीकेज के बाद ये पूरी भारत में सबसे बड़ा लीकेज माना जा रहा है। इस गैस लीकेज के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल पाएगा। मैं हूँ प्रशांत और स्वागत है आपका नॉलेज हाउस में। वीडियो को पूरा देखना। ये हादसा विशाखापट्टनम में गोपालपट्टनम के एरिया में हुआ था। 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक ये गैस अफेक्ट कर सकता है, इसलिए लगभग 3000 लोगों को वहाँ से आसपास के एरिया से खाली करवा दिया गया। प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री से रात के ठीक 3:30 बजे को गैस लीक होना शुरू हुआ। दरअसल लॉकडाउन के कारण बहुत दिन से कंपनी बंद पड़ी थी। लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत फैक्ट्री दोबारा शुरू हो रही थी। फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने के दौरान गैस लीक की ये घटना हुई। मिली हुई जानकारी के मुताबिक कर्मचारी ये गैस स्टोरेज चेक कर रहे थे, तभी गैस लीकेज हुई। पूरी बात प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी। खैर, गैस लीक हो गया, फिर क्या हुआ? लोग सो रहे थे, सुबह का लगभग 3:30 बजे का समय था, गैस लीक हो गया, सबके आंखों में जलन महसूस हो रहा था और लोग उल्टियां करने लगे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन फिर पुलिस की गाड़ियों ने लाउड स्पीकर पर जोर जोर से अनाउंसमेंट किए थे कि गैस लीकेज हुआ है, कोई गीला कपड़ा या मास्क पहन लो और जल्दी भाग लो। लेकिन थोड़ा देर हो चुका था, लोग बेहोश हो गए। सब जो होश में थे उन्होंने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग भाग नहीं पाए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कई घरों का दरवाजा भी तोड़ना पड़ा ताकि जो बेहोश हुए थे उन लोगों को कोई सुरक्षित जगह लेके जा पाए। और सुबह होते होते जैसे हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता था, बिल्कुल कुछ उसी तरह से लोग रोड में आके गिरने लगे थे। कोई बेहोश हो रहा था और कोई उल्टी कर रहा था। एम्बुलेंस और भी कई तरह की गाड़ियों में हॉस्पिटल जा रहे थे और वहीं पर जिनका बेहोश हो रहे थे उनका छाती दबाकर, हाथ मसल कर, जो पैरा मेडिकल के फोर्स होते हैं वो उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। और सुबह 10 बजे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट गैस लीक की जांच के लिए आदेश दिए। दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी विशाखापट्टनम में थे। यहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और 3 बजे के करीब करीब सीएम जगनमोहन रेड्डी जी ने मृतक परिवार वालों को 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किए। गैस के कारण शरीर में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ये सुनिए। आंखों में और शरीर के स्किन में इरिटेशन होना यानी कि जलन महसूस करना, सांस लेने में तकलीफ होना और उल्टी भी हो सकता है। ये गैस का हवा जो है जिनके भी शरीर में प्रवेश हुआ है उनको फ्यूचर में कोई भी बॉडी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स। 25 लोग से ज़्यादा वेंटिलेटर में है और 11 लोग की मौत हो चुकी है। करीब करीब 300 लोग को एडमिट किया गया है। मदद के लिए CISF और NDRF के फोर्स ने भी आंध्र प्रदेश की पुलिस के साथ मदद करने के लिए सरकार ने लगाया है। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। NDRF में एक स्पेशल टीम भी है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिफेंस। इनका काम होता है कि घटना हुई स्थल में जाकर गैस का लीकेज जो होता है उसको रोकने का काम होता है। शाम तक काफ़ी हद तक काबू पाए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो है गैस का लीकेज बंद नहीं हुआ है। लेकिन 8 मई को 2020 को रात को 2:30 बजे से फिर से शुरू हो गया गैस लीक होना और CBR&D की टीम पूरी प्रयास में है कि गैस को काबू में ला पाए और गैस को रोक पाए। NDRF के ऑफिसर SN प्रधान के मुताबिक करीब करीब 1000 लोग तक इस गैस से इन्फेक्ट हुए हैं। ये स्टेरिन गैस हवा से भारी होता है लेकिन पानी से घुल जाता है, इसलिए उस एरिया में लगातार पानी छिड़का जा रहा है और आसपास के इलाके करीब करीब 3 किलोमीटर तक एरिया को खाली करवा दिया गया है। और NDRF और दूसरे फोर्सेस ने हर घर की तलाशी भी ली, लेकिन इस दौरान कई लोग अपने घरों में बेहोश नजर आए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने मृतक परिवार लोगों को 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मीना ने कहा कि स्टेरिन गैस जानलेवा तभी होता है जब बड़ी मात्रा में शरीर के अंदर प्रवेश हो। अब ये घटना भी सुन लीजिए, फैक्ट्री के पास ही सिम्हाचलम रेलवे स्टेशन है। गैस लीकेज के कारण सूत्रों के मुताबिक यहां पर स्टाफ की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद दोपहर 12 बजे तक रेल यात्रा भी रोक दिया गया था। अगर आप भी विशाखापट्टनम में रहते हो और
आपको भी सांस लेने में या कोई भी प्रकार की तकलीफ हो तो तुरंत स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। फिलहाल तो वक्त ख़राब चल रहा है हर जगह, कोरोना से जूझ रहा देश में गैस लीकेज भी हो गया, ना जाने और क्या क्या होगा। साल 2019 जाते जाते वायरस का तोहफा दे गया और साल 2020 खेल रहा है। खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी जान पाए कि ये गैस लीकेज का आखिर मामला क्या है। सारी जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया। अगर आपका अभी भी कोई सुझाव हो या फिर सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए। और भी कोई नॉलेजेबल या फिर इम्पोर्टेंट अपडेट इस गैस लीकेज के बारे में हो तो ज़रूर इस चैनल में वीडियो अपलोड किया जाएगा। इस चैनल में आपको नॉलेज मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।